أحسن منك لم تر عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله या नूरल ज़िया दरुद रिसाले में चालीस फराम मुस्तफ़़ा फ़जाइल दरुद्लाम के मतल हैं तिरमिजी हदीस नंबर चार सौ चौरासी फरमान मुस्तफ़ा सिस ने मुझ पर एक मरतबा दरुद पाक पढ़ा अल्लाह अज्वल उस पर दस रहमतें भेजता और उसके नाम आमाल में दस नेकियां लिखता है सल्लूल हबीब व वही व ही व वसलम वत चैनल के नाजरीन अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए क्योंकि मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है जैसा कि फ़रमान ताला अलैहि वसल्लम है नीयतुलमुमिन खैरु मिन अमली ही मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए सहाबा की नातें इस सिलसिले में सुनाई जाती हैं आज हम इनशाजल सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तह की नात सुनेंगे सुरहान मुफ्ती अहमद यार खान नई रम्ह लिखते हैं शुक्र तेरा, तेरा क्यों कर

जरत सदमा अब्बास रदी अल्लाह हो ये मेरे अकाली सलाम के चचा हैं और मेरे अकाली सलाम इनसे बहुत प्यार करते थे ये मेरे अकाली सलाम के वही चचा हैं जिनके बारे में हज़रत जलाउद्दीन सूती शाफ़ीअ रम्लकवी अलसा इसकुबरा में लिखते हैं कि ये बयान करते हैं हज़रत सैद अब्बास रजी अल्लाह त मैंने हजूर सैद आलम सल्ह वसम से अर्ज की या रसूल सल्ला तसल् मेरे इस्लाम लाने का सबब हजूर का एक मुआजा बना सल्ला तसल् मैंने हजूर सल वसम को देखा के गहवारे में यानी पंगूड़े में चांद से बातें फरमाते हैं और जिस तरह अंगुष्ट मुबारक से इशारा करते चांद उसी तरफ झुक जाता चांद झुक जाता जी उंगली उठाते महद में अब्बास सैद में अब्बास रदील्ला तानज़मत है ये मेरे अकाली सलातम के चचा बैतल्ला शरीफ के मुतवली थे और इनका फिदिया मेरे अकाली सलातम ने अदा फरमाया इनके वसीले से जब ये इस्लाम कबूल कर चुके साहबा दुआएं मांगते थे मेरे अकाली सलात साम इन पर फख्र फरमाते थे इनको मेरे अकाल सलात ने ख़ात महाजरीन का लक़बता फरमाया जब इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की तो मेरे अकाल सलाम फ़तह मक्का के लिए सफ़र फरमा रहे थे इन्होंने किस मौके पर मेरे अकाल सलाम की सना खानी की और किस तरह की सुनिए ईमान ताज़ा कीजिए सोहान अल्लाह नातें सुन्ना सुनाना सुन्नत सहाबा है मुफ्ती अहमद यार नईमी ने एक हदीस पाक के तहत ये लिखा और मेरे आका सलाम अपने नात पढ़ने वालों को दुआओं से भी नवाजते थे सबहान अल्ला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजब तबूक से वापस हुए बहुत आजमाइशी गजबा था ये तो हजरत सैद अब्बास रदील ने ना सुनाने की इजाज़त तलब की बहुत से साहब कराम ने नाते रसूल कही इन्होंने इजाज़त तलब की बहुत से साहबा ने नातें कहीं मीरा कली सलातम ने गब तबूक से वापसी फरमाई मदीने की सरजमीन में कदम रखा तो औरतें बच्चे लौंडी गुलाम सब इस्तबाल के लिए निकल पड़े इस्तबाल नजमें पढ़ते हुए आपके साथ मस्जिद नबूी तक आए मेरे सलाम मस्जिद नबूी में दो रकत अदा फरमाते हैं तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ने एक कसीदा पढ़ा अर्ज की अलैहि वसल्लम ल्ला मैं चाहता हूँ आपकी मद तारीफ करूँ मेरे सलाम ने मना फरमाया नहीं इजाज़त दी बल्कि दुआओं से नवाजा क्या दुआ दी फरमाया अल्लाह तआला तेरे मुंह को सलामत रखे अब हैजरत सदमा अब्बास रदी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में जो नातिया अशार कहे उसमें से कुछ पेश करता हूँ मिन क़ब लिहाबिकला वफ़ी मुदिन सफुल वारकू आप इस दुनिया में आने से पहले जन्नत के सायों में भी पाकीज़ा थे जहां आप को वदीत रखा गया यानी हज़रत आदम की पुश्ते पाक में जब वो अपने जिस्म पर पत्ते चिपकाते थे सुम्मा हबलिला लाबाशर उनके जन्नत से ज़मीन पर उतारे जाने पर यानी आदम जब ज़मीन पर आए आप वसलम भी उनके हमरा ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए जबकि आप सल्लाम ना तो इससे पहले बशरी सूरत में थे और न ही गोश्त और अलग की हालत में बल नुतफत तरकब सफ़ीना वद अलजमा नसरन व अहुल गरक हो बल्कि नुतफा यानी नूर जो किश्ती नू में सवार थे यानी साम बिन नूह शाम सलाम की पुश्त में और गर्क होने नसर बुत और उसके पुजारियों को लगाम डाल दी यानी तूफ़ान के बायस हज़रत सलाम का इनकार करने वाले गरक हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़दस पुशतों से पाकिजा और हाम की जाने मुंतकिल होते रहे जब एक दौर गुजरता तो दूसरा शुरू हो जाता हिकायतें और नसीहतें मदीना की मतबूा किताब इसमें हज़रत शुब हरी फ़ीश रहमत लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया आप लो फरू के अतबार से तैयब ताहिर हैं और आला हजरत फतवा शरीफ जल तीस अफरा दो सौ सत्तर पर लिखते हैं कि मेरे अकाली सला तो ने फरमायाजल मुझे हमेशा पाक सुथरी पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाता रहा साफ सुथरा आरास्ता जब दो शाखें पैदा हुई मैं इनमें बेहतर शाख में था मेरे अकाली सलातम का पाकिजा नसब पढ़ना चाहें हिकायतें और नसीहतें सफर नंबर चार सौ सत्तर ता चार सौ तिहत्तर का मुत फरमाइए हजरत अब्बास रदील हो का इश्क रसूल आपकी नात मजीद सुनिए है। लिखते हैं यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शरफ जो आपके फजल पर गवाह है कबीला खिंदिफ यानी कुरेश के नसब के आला मकाम पर फैज हुआ जबकि दूसरे तमाम लोग आपके इस मकाम से नीचे हैं वह अंत लम्मा वशरा अर्दू व

वह सब रिशादी नख तारीख हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िया पाशी और नुरानियत के सदके ही तो राह हिदायत पर गामजन हैं ये अशार मुस्दरक हदीस पाँच हज़ार एक सौ सत्रह में मजम कबीर हदीस चार हज़ार एक सौ सड़सठ और बहुत सी कुतुब में मौजूद हैं तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह त क्या फरमा रहे हैं कि जब मेरे अकाली सला सलाम सीधा आमिना रजी की गोद में जलवा फरमा हुए तो आपकी तशरीफ आवरी के बायस सारी जमीन पुरनूर हो गई फजाएं जगमगा उठी सुर नूर है जमाना सुबे श परदासा सुबुह शबे बिल पुरनूर ज़माना सुबुह शबे मिल शब शे बिलाओ है किसका परदा उठाओ, उठाओ है किसका सुबह शबे परदा उठाओ इताओ है किसका सुबह शबे शे और मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत हजरत आमिना रदी अल्लाह तहा को मुबारकबाद देते हुए लिखते हैं

सारा सारा है। है। मदी चैनल के नाजिन आपने सुना कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह मेरे अकाली सलातम के चाचा जान कह रहे हैं कि जब मेरे अकाली सलातम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई तो जमीन नूर से भर गई फजाएं रोशन हो गई और सुनिए फतावर रजविया शरीफ में आला हजरत ने लिखा सायसबरा में है। हैदरत सैदातना अमीना रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं मैंने उन यानी हजूर सल्लाम के सर से एक नूर बुलंद होता देखा कि आसमान तक पहुँचा और यह भी है कि हजरत सैदातना अमीना रदी अल्लाह फरमाती हैं विलादत मुस्तफ़ा के वक्त ऐसा नूर चमका ऐसा नूर चमका के मशारी को मगरब रोशन हो गए और मैंने मक्के से शाम के महल्लात वाजे तौर पर देख लिए एक रिवायत में है जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उनकी रोशनी से बसरा और रूम व शाम के महल रोशन हो गए एक रिवायत में है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मशरिक से मगरिब तक रोशन हो गया एक रिवायत में है कि सारी दुनिया नूर से भर गई और आला हज़रत फरमाते हैं विलादत अकदस हजूर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल है आमीना तुझको मुबारक को पल के घर का घर सब सारा नूर है हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मुस्तफा की आमद मरहबा 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 या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा कलम وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء